हुकूमत करती हो तुम हमारे दिल पर। हुकूमत करो, रया की तरह इजाजत ना लिया करो। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैं एक दो दिन के लिए रूमी को यहाँ ले आऊँ। इट्स बीन 3 मंथ्स नाउ, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो आ जाएगा यार, 3 महीनों में उसके बाप ने उसको तुम्हारा दुश्मन बना दिया होगा। ऐसा नहीं है वो। क्या मतलब? वो नहीं भड़काएगा उसे। आई नो हिम। तुम्हें ले आऊँ उसे? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे यार, मुझे क्या एतराज होगा? वो आए, तुम्हारे पास रहे, मुझे तो खुशी होगी। बस मेरी तरफ घूर घूर कर ना देखे। क्यों देखेगा? देखते हैं, सौतेले बच्चे सौतेले बाप को बहुत घूर कर देखते हैं। नहीं देखेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आज ही ले आओ उसे। तो तुम फोन कर दो उसे, कहो कि उसे लाकर यहाँ छोड़ दे। मैं किसको फोन कर दूं? दानिश को, यही नाम था ना उसका। अरे यार, अब इस छोटे से काम के लिए ऐसे 2% के लोगों को फोन करूंगा? नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ। तो कर लो फोन, बोलो कि गाड़ी भेज रही हूँ, रूमी को ड्राइवर के साथ भेज दे, चाहो तो तुम भी चली जाओ। थैंक यू सो मच। अब इसके लिए भी थैंक यू करेगी। हुकूमत करती हो तो हमारे दिल पर। हुकूमत करो, रया की तरह इजाजत ना लिया करो। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनो, मुझे क्यों नहीं कहते कि ऑफिस चलो? तब भी जाओगी? ठीक है, रूमी चला जा तो ऑफिस आ जाना। और हाँ, पूछा ना करो, इट्स योर ऑफिस। दीवान साहब, दीवान साहब, एक मिनट रुकिए। दीवान, ये मुझे दीजिए, आज से ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।